दोष शांत्याभिधात शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्रेश भयोपशान्तिः शांतिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः। महानुभाव, ग्रंथ पदनंदी पंचवी शतिका 25वां अधिकार स्नानाष्टक नाम से। स्नान के बारे में गुणदोष बताते हुए आचार्य देव 8 श्लोकों में इसका वर्णन करेंगे। मुख्य रूप से तो ये महामुनियों के लिए, महासाधुओं के लिए है वर्णन, फिर भी एक देश रूप से हम और आप इसको समझें। सन्माल्यादि यदि ये सन्निधि वसा दस प्रश्यताम आश्रय विणमूत्रादि वृतम प्रसादि घटितम विभत्सुव्यत्पूति च आत्मानं मलिनं करोत्त विशुचिं सर्वाशुचीनामिदं संकेतैकग्रहं नृणां वपुरपां स्नानात् कथं शुध्यति। आचार्य देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, ये वपुः शरीर जो है, नृणां वपुः मनुष्यों का जो शरीर है, हमारा और आपका जो शरीर है, अपाम स्नानात् कथं शुध्यति, जल के स्नान से कैसे शुद्ध होगा, ये कैसा है शरीर। सन्माल्यादि यदि ये सन्निधि वसात, अच्छे अच्छे सुगंधित माला चंदन आदि जिसके स्पर्श के वश से अस्पृश्यताम आश्रित अस्पृश्य हो जाती हैं, पुनः छूने योग पुनः प्रयोग करने योग नहीं रह जाती हैं, विण मूत्रादि वृतम मन मूत्रादि से भरित है, और रसादि घटतम और 7 प्रकार की धातु धातु से रस आदि से घटित है, बना हुआ है, रक्त मज्जा हड्डी आदि से जो निर्मित है, और बीभत्स यत्पूति के भयानक है देखने में, अगर अंदर से इसको देखा जाए तो भयंकर है और दुर्गंध युक्त है ऐसा ये शरीर। ये कैसा है, आत्मानं मलिनं करोत्त विशुचिं, पवित्र आत्मा भगवान आत्मा, 3 लोक का अधिपति आत्मा, चित चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसको ये आत्मा को भी शुचि पवित्र आत्मा को भी जो मलिनम करोती मलिन कर देता है, पवित्र कर देता है, ऐसा है शरीर। सर्वाशुचि नामिदम संकेत एक ग्रहम, संपूर्ण अपवित्रता का ये स्थान स्वरूप है, ऐसा है मनुष्यों का शरीर, जल से कैसे शुद्ध हो सकता है। भव्यात्मा, शरीर जल से शुद्ध नहीं होगा, शरीर की शुद्धि गुणों से, विवेक से, ज्ञान से, रत्नत्र से होगी। यही कारण है कि मुनियों के लिए स्नान नाम का एक मूल गुण माना गया है। दिगंबर जैन साधुओं के लिए, मुनि और आरिकाओं के लिए स्नान व्रत 28 मूल गुणों में एक व्रत है, एक गुण है, मूल गुण है। व्यवहारिकता में कहा गया है, एक सूक्ति है, शुचि भूमिगतम तोयम सुचिर नारी पतिव्रता सुचिर धर्म परो राजा ब्रह्मचारी सदा सुचि। भूमिगत जो आकाश से मेघ से जल बरसता है वो पवित्र माना जाता है, और सुचिर नारी पतिव्रता, पतिव्रता महिला, पतिव्रता स्त्री जो अपने एक पति विवाहित पति के सिवाय सबको भाई और पुत्र के समान देखने वाली ऐसी महिला पतिव्रता स्त्री हमेशा शुद्ध पवित्र मानी गई है। और कौन सा पवित्र है, धर्म परो राजा, धर्मात्मा राजा, धर्मनिष्ठ राजा, धर्म नीति के अनुसार चलने वाला राजा, न्यायप्रिय राजा पवित्र माना गया है। यही कारण है कि विश्व में ऐसे राजा ही प्रजा के रक्षक, ऐसे शासक ही प्रजा को सुख देने वाले, और देखा जाए तो धर्म की वृद्धि में उन्नति में सहायक होते हैं, पवित्र माने गए हैं। और ब्रह्मचारी सदा सुखी, जो ब्रह्मचारी व्रत का पूर्ण रूपण ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, स्त्री मात्र का जिनको त्याग है, जिन्होंने पूर्ण रूपेण संपूर्ण स्त्री मात्र का त्याग कर दिया है, वो ब्रह्मचारी हमेशा पवित्र शुद्ध माने गए हैं। यही कारण है कि उन्हें जल से स्नान की आवश्यकता नहीं रहती है। गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, आहार दान आदि देना अनिवार्य है, इसलिए उन्हें जल से स्नान करना आवश्यक बताया है। मैं आपको बताऊं, श्रावकों के लिए 3 प्रकार के स्नान माने गए हैं प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में, संहिता ग्रंथों में,
जो संहिता ग्रंथ है, श्रावकों के लिए संहिता ग्रंथ है, श्रावक संहिता ग्रंथ, उनमें तीन प्रकार के स्नान माने गए हैं। सबसे पहले जल स्नान, शुद्ध कुएं का जल, वो नदी का हो कैसा भी जल, वो छना हुआ अथवा गर्म सर्दी के जल में जैसा भी हो, लेकिन छना हुआ जल, छने हुए जल से, प्राशुद जल से। एक बार ध्यान में रखना, नदी आदि को में जो बहता जल रहता है और झरने का जल रहता है, कलकल करता हुआ सूर्य की किरणों से संतप्त ऐसा जल आदि, ये जल भी प्राशुद माने गए हैं। खैर, घर में कुएं आदि के जल से स्नान जो करते हैं, तो छने हुए जल से स्नान करना, सचेत स्नान करना, पूरा स्नान करके और दूसरे वस्त्र पहनना, तो ये जल स्नान है। और मंत्र स्नान है संध्या वंदन विधि। आजकल कुछ जैन लोग, विद्वान लोग ऐसा कह देते हैं, संध्या वंदन विधि हम जैनों की नहीं है, केवल ब्राह्मणों की ही है, किंतु ऐसा नहीं है। संध्या वंदन विधि, मंत्र पूर्वक स्नान करना, ये जैन ग्रंथों में, संहिता ग्रंथों में, प्रतिष्ठादि ग्रंथों में वर्णित है। हमेशा प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है। आज भी कहीं कहीं दक्षिण में परंपरा है, कुछ दक्षिणी उपाध्याय पंडित आदि प्रतिदिन भी संध्या वंदन करते हैं, स्नान करते हैं, जल वो मंत्र स्नान कहलाता है। और आपको जब पंचकिराण प्रतिष्ठा आदि कराई जाती हैं, और आप जब इंद्र बनते हैं, चाहे शिक्षक विधान का अनुष्ठान करें, चाहे कोई भी विधान का अनुष्ठान करें, उस विधान के अनुष्ठान के पूर्व सकलीकरण होता है। सकलीकरण में मंत्र पूर्वक शुद्धि कराई जाती है, वो मंत्र स्नान होता है। रकेबी में जल यंत्र बनाया जाता है केसर से, पुनः उस पर मंत्र जल डाला जाता है, पुनः अंकुश मुद्रा करके दोनों उंगलियों को मिलाकर उस जल में उंगली डुबो डुबो करके और मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर छिड़का जाता है, वो मंत्र स्नान कहलाता है। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीम क्लीम लुम लुम राम राम द्रीम द्रीम हमसा स्वाहा, ऐसे ये मंत्र स्नान का मंत्र है। पुनः तीसरा स्नान माना गया है व्रत स्नान। आपको सिद्ध चक्र विधान आदि के अनुष्ठान में, पंचकनार प्रतिष्ठा आदि के अनुष्ठान में पंच अनुव्रत दिए जाते हैं, चाहे आप सीमा से लें, चाहे जीवन पर्यंत के लिए लें। संकल्पी हिंसा का त्याग, स्थूल रूप से झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, और अनुष्ठान तक, चाहे पंचकनार प्रतिष्ठा हो, चाहे सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान आदि का अनुष्ठान हो, अनुष्ठान तक पूर्ण ब्रह्मचर्य दिया जाता है। अपनी स्त्री से, अपनी स्त्री के संपर्क का भी त्याग कराया जाता है। ये पूर्ण ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के दिनों में दिया जाता है, तो ये व्रत स्नान कहलाता है। और प्रतिदिन के लिए भी पंच अनुव्रत आप लेवे और सदा संतोष, शील व्रत, एक देश ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय सब स्त्रियाँ माता और बहन के समान, स्त्रियों के लिए अपने पति के सिवाय सब भाई के समान आदि, तो ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत, शील व्रत और परिग्रह का प्रमाण। ये प्रतिदिन के लिए भी तीन स्नान जैन श्रावक के लिए आगम में, शास्त्रों में, संहिता ग्रंथों में, प्रतिष्ठादि ग्रंथों में वर्णित है, हमेशा ध्यान में रखना। और मैं आपको विशेष बताऊं, साधु मुनि जो 28 मूल गुण के धारण करने वाले हैं, मुनि और आरिका, इनके स्नान नाम का मूल गुण है, स्नान त्याग नाम का मूल गुण है, फिर भी अगर वो मार्ग चलते समय मल मूत्र आदि, हड्डी आदि का, कलेवर आदि का स्पर्श हो जाए, पंचेंद्रीय कलेवर आदि का, अथवा रजस्वला स्त्री आदि का स्पर्श हो जाए, ऐसी किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाने पर उन्हें भी दंड स्नान माना गया है। उनके लिए भी आज्ञा है, ऊपर से गर्म जल से जल स्नान कराते हैं और वो प्रायश्चित देते हैं, ऐसा वर्णित है। आरिकाएँ भी रजस्वला स्थिति में 3 दिन बाद स्नान करके शुद्ध होती हैं, बिना स्नान के शुद्ध नहीं हो सकती है। तो ये सब स्नान त्याग मूल गुण होते हुए भी उनके लिए विशेष परिस्थिति में स्नान माना है, गर्म जल से स्नान माना है और अनंतर उसके प्रायश्चित माना है। तो भव्यात्मा, ये एक व्यवस्था है। फिर भी शरीर के दोषों को देखते हुए आचार्यों का यही कहना है कि ये शरीर जल से शुद्ध नहीं होगा, यहाँ ये बात मूल रूप से है, इस स्नान अष्टक में बताई गई है। आगे आचार्य जो क्या कहते हैं, सम्यक बोध विशुद्ध वारिणी लसत सद्दर्शनोर्मिव्रजे नित्यानंद विशेष शैत्य सुभगे निःशेष पापद्रोही सत्तीर्थे
परमात्म नामनि सदा स्नानम कुरुध्वं बुधाः शुद्ध्यर्थं किं धावत त्रिपथगा त्रिपथगा माल प्रयासाकुलाः। हे भव्यात्माओं, देखो आप सम्यक दर्शन रूपी जिसमें लहरें उठ रही हैं और सम्यक ज्ञान रूपी जिसमें विशुद्ध जल भरा हुआ है, सम्यक ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है और सम्यक दर्शन रूपी जिसमें लहरें उठ रही हैं और नित्यानंद विशेष सहित सुख के नित्य ही आनंद 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 आत्मा का आनंद चित्तेतस भगवान आत्मा का जो आनंद है उस आनंद रूप विशेष शीतलता जिसमें सुंदर है और निशेष पापद्रोही संपूर्ण पाप को जो छालन करने वाला है नष्ट करने वाला है ऐसा कौन सा तीर्थ है? परमात्मा नामनी सत्तीर्थ है। परमात्मा नाम का जो सत्तीर्थ है उत्तम तीर्थ परमात्मा भगवान परमात्मा परमात्मा नाम का जो उत्तम तीर्थ है। हे भव्यात्माओं, हे बुधाः, स्नानम सदा कुरुध्वं, तो हमेशा उस परमात्मा नाम के उत्तम तीर्थ में स्नान करो शुद्ध्यर्थम, अपने शरीर की आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा शुद्ध हो जाएगी शरीर तो अपवित्र छूटने वाला ही है। शरीर तो केवल भगवंतों का परमोदारिक हो गया और पुनः मोक्ष गए तो शरीर छूट गया। हमेशा ध्यान में रखना सशरीर मोक्ष नहीं होता है, परमोदारिक शरीर अनंत भगवंतों का हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पुनः आठों कर्मों के नष्ट हो जाने पर शरीर भी छूट जाता है। तो शुद्ध्यर्थम क्यों धावत त्रिपथगा, त्रिपथगा आदि जो नदियाँ हैं उनमें जाकर स्नान करने की शरीर की शुद्धि नहीं होगी, आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। शरीर कुछ क्षण के लिए शुद्ध हो जाएगा लेकिन हमेशा हमेशा के लिए शरीर की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। भव्यात्मा, तीर्थ जैन आगम में तीर्थ अनेक प्रकार से, यहाँ परमात्मा को तीर्थ कहा, कहीं अपने चित्त स्वरूप आत्मा को तीर्थ कहा। आचार्यों ने कहा है कि समता नाम की अति शुद्ध नदी, समता समता भावना राग द्वेष का अभाव एकदम परम साम्य अवस्था समदर्शिता, ये समता नाम की जो नदी है उसको भी अति शुद्धा समता नामा अति शुद्धा नदी पाप ही क्वापी न दर्शते, जो पापी लोग जिसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं हमेशा राग द्वेष से मलिन जो नहीं उसको प्राप्त कर पाते हैं समता रूपी नदी है और अरहंत को नद बताया है। तो भव्यात्माओं, भगवान की वाणी को यदि या वाक गंगा गंगा नदी माना है, भगवान की वाणी भी एक नदी है। तासुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजलि भर शीश धरी है, भगवान की वाणी जो है वो शारदा वो भी गंगा नदी पवित्र नदी है, उसमें स्नान करने से भगवान की वाणी में अवगाहन करने से उनका अभ्यास करने से आत्मा पवित्र होती है। पुनः भक्ति को गंगा कहा है, भक्ति गंगा, भगवान की भक्ति को गंगा की उपमा दी है, भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने से हम और आपके लिए ये सब नदियाँ आत्मा का चिंतन संभव है। किंतु आत्मा का अनुभव आत्मा के उपयोग में स्थित हो जाना शुद्ध उपयोग प्राप्त कर लेना संभव नहीं। तो हम और आप भक्ति रूपी नदी में स्नान करें, भगवान की भक्ति रूपी गंगा में अवगाहन करें, उसमें अवगाहन करके अपनी आत्मा को पवित्र करें और कर्म से शुद्ध हो जाए। जैसा कि भक्ति गंगा भरत चक्रवर्ती ने भक्ति रूपी गंगा में अवगाहन कर करके अपने कर्म को इतना हल्का कर दिया, इतना मलिन कर दिया, इतना इतना नष्ट कर दिया, इतना क्षीण कर दिया, उस मलिन कर्म को इतना क्षीण और रस कर दिया कि आत्मा को निर्मल बना लिया भरत चक्रवर्ती ने, कि दीक्षा लेते अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। भगवात्मा भक्ति रूपी गंगा कहते हैं लोग, अध्यात्म से भरत चक्रवर्ती ने अध्यात्म से अपने कर्मों को क्षीण किया अंतर्मुहूर्त केवलियों ने, किंतु भक्ति रूपी गंगा में वो सदा अवगाहन करते थे। तो भव्यात्माओं, ये स्नानाष्टक पढ़ करके भगवान की भक्ति रूपी गंगा में स्नान करते हुए और व्यवहार शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान करके भगवान की पूजा और अभिषेक करें, भगवान की भक्ति करें, गुरुओं को आहार दान दें, व्यवहार शुद्धि को भी पालें और निश्चय शुद्धि को पाते हुए आत्मा को पवित्र करने के लिए आत्मा रूपी नदी में भी अवगाहन करके आत्मा को पवित्र करें। यही प्रेरणा और मंगल।